सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर। संजय सिंह जो कुछ पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए दम भर रहे हैं और वो कई बार योगी आदित्यनाथ को इस बात का चैलेंज देते हुए देखे गए हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं और योगी आदित्यनाथ को कई मामलों पर वो घिरते हुए नजर आए। आज आप नेता संजय सिंह और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ का जो उन्होंने भेजा था उनको उसका नोटिस, उस नोटिस को मीडिया के सामने फाड़ते हुए धमकियां दी हैं। क्या है धमकी? आप सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो को पूरी देखिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद यूपी सरकार को लाल फीताशाही करार दिया है और उन्होंने लाल फीताशाही करार देते हुए निशाना साधा है कि राज्य सरकार ने उन्हें 27 अगस्त को नोटिस जारी कर दी है और 27 अगस्त को ही सुबह 10 बजे हाजिर होने का के लिए कहती है और वो कह रहे हैं कि ये जो नोटिस है वो उनको 3 दिसंबर को दिल्ली में मिलता है और उन्होंने इस नोटिस को पत्रकार वार्ता में फाड़ते हुए कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं कि वो बड़े ही एक तरह से बोल्ड नेता हैं और वो एक्शन लेने के लिए माने जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर संजय सिंह का जो यूपी की राजनीति में एंट्री करना और ये बताना कि वो योगी आदित्यनाथ को हर मोर्चे पर खुला चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कोई नोटिस भेजते हैं तो वो पत्रकार वार्ता में सामने फाड़ने का मतलब क्या होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि त्वरित संचार मीडिया इस युग में ये नोटिस 31 अगस्त को लखनऊ के डाक द्वारा दिल्ली भेजी गई, दिल्ली के पते पर यहाँ यह आज पहुंची है। यह FIR की कॉपी है जो ऑफिस के मकान मालिक द्वारा दिलवाई गई है। इसमें मेरा नाम भी नहीं है, न एक नाम और अज्ञात लोग के खिलाफ दर्ज है, लेकिन ये मुझे भेजी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 27 अगस्त को आपको थाने में हाजिर होना है, यदि आप नोटिस की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहेंगे तो आपको कानूनन गिरफ्तार करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ भी कहा कि ये पत्र जो है वो धमकी एक राज्यसभा सांसद को भेजा गया है और इस तरह से धमकियाँ बेअसर होती हैं, राज्य सरकार मुझे डराने की कोशिश ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट की अभियोक्ता प्रियंका कक्कड़, सह प्रभारी नदीम अशरफ और सह प्रभारी भी ब्रिज कुमार मौजूद, कुमारी भी मौजूद वहां पर रही। तो ये बयान और ये धमकियां सांसद संजय सिंह कई दिनों से आपको देखा जा रहा है और वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। बने रहे उन्हें इंडिया नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।